तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही लजीज से बटर नान की रेसिपी, जिसे आप दाल मखनी के साथ या किसी भी सब्जी के साथ आराम से बनाकर घर पे ही खा सकते हैं। मैंने मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, साथ में जाएगी थोड़ी सी चीनी, और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून एक्टिवेटेड यीस्ट। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून एक्टिवेटेड यीस्ट इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये जल्दी ही खाना है, लगभग आधे घंटे में या 1 घंटे में, तो आप इसे गर्म पानी में गूंधिए, अदरवाइज़ आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो पानी हो उसके अंदर आप इसे एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें नीट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जब ये इतना नीट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूँगी, और रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस डो को अब मैं कर दूंगी कवर, और जब हम इसे बनाएंगे तब हम इसे चेक करेंगे। लगभग 1.5 घंटा हो गया है, और आप देख सकते हैं ये हमारा आटा जो है वो नान बनाने के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। इसे हम एक बार ठीक कर लेंगे, उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे, और इसकी हम ये गोल बॉल बना लेंगे। उसके बाद हम इसे बेलन पर पतला सा बेल लेंगे, इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि ये जब गर्म तवे पे जाएगा तो ये वहाँ पर भी थोड़ा सा फूलेगा। अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसे गोल या लंबा, जैसे भी पसंद हो आप इसका शेप दे दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हरे धनिया की पत्ती लगाएंगे, और इसे जो है एक बार और बेलन से बेल लेंगे ताकि ये इस पर चिपक जाए। यहाँ मैंने तवे को गर्म कर लिया है, ये लोहे का तवे का ही इस्तेमाल कीजिए, आप नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल मत करना। उस पर थोड़ा पानी डाला है ताकि नान आसानी से चिपक जाए। अब मैंने जो नान बेला था वो मैं यहाँ पर इसके ऊपर सेकने के लिए डाल दूँगी, और इसकी जो है हीट वो हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो है किस तरीके से फूल रहा है। उसके बाद ये अच्छे से फूल गया है, तो अब मैं तवे को उल्टा कर दूँगी और इसे इस तरीके से गैस पर सेक लेंगे। सभी साइड से हम इसे अच्छी तरीके से सेक लेंगे ताकि ये कहीं से कच्चा ना रहे। उसके बाद हम इसे तवे से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से मैंने दूसरा नान भी बेल लिया है, और वो भी हम इस तरीके से डाल रहे हैं। ये प्लेन नान है, और फिर हम इसे भी जैसे हमने वो नान सेका था ऐसे हम इसे भी गैस पे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा फूल गया है, और इसी तरीके से हम जितने भी नान हैं हमारे, हम सभी नान तैयार कर लेंगे, और फिर हम इस पर लगाएंगे मेल्टेड बटर। ये होममेड बटर है, यहाँ पर मैंने ये लगाया है, तो यहाँ पर बटर लगाएंगे, और बटर लगाने के बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे ज़बरदस्त से नान बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।